So hello everyone, so this is CS Anitya Saraf and today we are going to revise SA510 initial audit evidence or opening balances. तो ऐसे 510 जो बात करता है इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट ओपनिंग बैलेंसेस की. तो सबसे पहले सर इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट क्या होता है? इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट मतलब होता है कि प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में या तो कंपनी का ऑडिट नहीं हुआ है या तो कंपनी का ऑडिट किसी प्रीडेसेसर ऑडिटर ने किया है. तो अगर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का ऑडिट नहीं हुआ है या कंपनी का ऑडिट किसी प्रीसीडिंग ऑडिटर ने किया है और हम उस क्लाइंट का पहली बार ऑडिट कर रहे हैं, तो इन दैट सिचुएशन हमारे ऊपर ऐसे 510 लग जाएगा इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट ओपनिंग बैलेंसेस. क्योंकि यहां पूरी पूरी शंका होगी, हमें पूरी पूरी डाउट होगी कि भैया जो क्लोजिंग बैलेंस प्रीवियस ईयर का है यानी जो करंट ईयर का ओपनिंग बैलेंसेस है, हो सकता है उसमें मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो. क्योंकि अगर मैंने ऑडिट किया रहता पिछले साल तो मेरे को भरोसा होता उस क्लोजिंग बैलेंस के फिगर में, मेरे को भरोसा होता करंट ईयर के ओपनिंग बैलेंस के फिगर में, बट क्योंकि मैंने पिछले साल ऑडिट नहीं करा मेरे को वो भरोसा नहीं है. ठीक है, अब यहां पे इस पार्टिकुलर स्टैंडर्ड के तहत ऐसे 510 के अंदर मेरा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मुझे चेक करना है तीन चीजें. सबसे पहले क्लोजिंग बैलेंस करेक्टली ब्रॉट फॉरवर्ड हुआ कि नहीं हुआ. दूसरी चीज मेरे को चेक करनी है कि जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज यूज की जा रही हैं इन प्रीसीडिंग ईयर, क्या वो कंसिस्टेंट अभी तक करंट ईयर, और अगर चेंज है अकाउंटिंग पॉलिसी में तो क्या कारण है चेंज का और उस कारण को डिस्क्लोज किया गया या नहीं किया गया, यानी AS1 का प्रिंसिपल ध्यान रखना है. दूसरा ऑब्जेक्टिव है मेरा ये देखना कि ओपनिंग बैलेंसेस में मेटल मिस स्टेटमेंट तो नहीं है. ओपनिंग बैलेंसेस में मेटल मिस स्टेटमेंट तो नहीं है जो कि पिछले साल से रिलेटेड है. तो मेरा ये तीन ऑब्जेक्टिव है, दैट इज PM प्लस करेक्टली बॉट फॉरवर्ड, पी से पॉलिसीज, एम फॉर मेटल मिस स्टेटमेंट, एंड देन वी हैव करेक्टली बॉट फॉरवर्ड. उसके बाद अगर बात करें तो इस स्टैंडर्ड में दो सिचुएशंस निकल के आते हैं. पहला सिचुएशन कि प्रीवियस ईयर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट किया है किसी प्रीडेसेसर ऑडिटर ने, और दूसरा सिनेरियो कि प्रीवियस ईयर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट हुआ ही नहीं है. तो अगर प्रीवियस ईयर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट हुआ ही नहीं है, इसका मतलब अपने को कम रिलायंस होगा, कम भरोसा होगा. तो हम पॉइंट आउट करेंगे कि विच आर द स्पेसिफिक प्रोसीजर्स विच कैन नॉट बी परफॉर्म, एंड हम परफॉर्म करेंगे एडिशनल प्रोसीजर्स जो भी सुटेबल रहेगा फॉर द स्पेसिफिक असर्शन. फॉर एग्जाम्पल, अगर अपने को इन्वेंट्री के वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग सपोज प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं और पिछले साल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट नहीं हुआ था, तो मैं पिछले साल जाकर फिजिकल वेरिफिकेशन तो नहीं कर सकता, बट मैं क्या कर सकता हूँ कि इस साल फिजिकल वेरिफिकेशन करके इस साल की रिपोर्ट को पिछले साल के फिगर से मिला सकता हूँ, डिस्क्रिपेंसेस चेक कर सकता हूँ. मैं क्या कर सकता हूँ, कट ऑफ प्रोसीजर्स परफॉर्म कर सकता हूँ. तो ये सारी चीजें कर सकता हूँ. तो जो भी एडिशनल प्रोसीजर्स रहेगा, WR हो सकता है, एक्सटर्नल कंफर्मेशन हो सकता है, डॉक्यूमेंट्स चेक करना हो सकता है, ये सारी चीजें हम लोग कर लेंगे. दूसरा सिनेरियो है कि प्रीवियस ईयर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट कर रहा है कोई प्रीडेसेसर ऑडिटर, तो अब यहां पे अपने को रहेगा ज्यादा रिलायंस, ज्यादा भरोसा. तो हम क्या करेंगे, पर यूज स्टैंडर्ड वर्ड यूज करता है, पर यूज द कॉपीज ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोवाइडेड बाय द प्रीवियस ऑडिटर एंड एग्जामिन ऑल द रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स. बस आपने करना क्या है कि करंट ईयर के ऑडिट करते वक्त आपने अलर्ट रहना है, आपने चेक करना है, आपने अलर्ट रहना है टू द पॉसिबिलिटी ऑफ मेटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्टिंग इन करंट ईयर ऑफ द प्रीवियस ईयर. तो अगर आपको कोई भी मिसस्टेटमेंट पिछले साल का इस साल के बैलेंस में मिलता है, आपने उसका एविडेंसेस ऑब्टेन करना है. तो सिर्फ यही सिचुएशन होगा कि अगर आपको मिसस्टेटमेंट अपने ओपनिंग बैलेंसेस में मिल गया विद रिगार्ड टू प्रीवियस ईयर, तो आप उस प्रीवियस ईयर के फिगर्स में रिलाई नहीं करोगे, अदरवाइज आप रिलाई कर सकते हो अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट प्रीडेसेसर ऑडिटर ने किया है. उसके बाद अपना रिपोर्टिंग बहुत सिंपल है. अगर मेरे को SEE मिल जाता है कि ओपनिंग बैलेंसेस में कोई मेटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, तो मैं आराम से अनमॉडिफाइड ओपिनियन दूंगा. अगर मेरे को SEE नहीं मिलता है, अगर मेरे को SEE मिलता ही नहीं है, तो मैं क्वालिफाइड डिस्क्लेमर दूंगा. अगर मेरे को SEE मिल जाता है कि ओपनिंग बैलेंसेस में मेटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट करती है, तो मैं क्वालिफाइड एडवर्स दूंगा. अगर अकाउंटिंग पॉलिसीज कंसिस्टेंटली फॉलो हो रही है तो अनमॉडिफाइड ओपिनियन दूंगा, कंसिस्टेंटली फॉलो नहीं हो रही है क्वालिफाइड एडवर्स ओपिनियन दूंगा. और एक फाइनल सिनेरियो आता है कि अगर प्रीवियस ईयर के ऑडिट रिपोर्ट में रिपोर्ट को मॉडिफाई किया गया है, तो मैं कंसिडर करूंगा कि जिन मैटर्स की वजह से मॉडिफिकेशन दिया गया था, क्या उन मैटर्स को करंट ईयर में रिजॉल्व किया गया है, हाँ या ना. अगर उन मैटर्स को रिजॉल्व किया गया है बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज अगर उन मैटर्स को रिजॉल्व नहीं किया गया है, तो मैं फिर से रिपोर्ट में क्या करूंगा, मॉडिफाइड ओपिनियन मैं वहां पे दूंगा. राइट, तो दिस आर द एरियाज दैट वी नीड टू रिमेंबर इन SA510, दैट इज ओपनिंग बैलेंसेस का स्टैंडर्ड. याद रखिएगा, सिर्फ ओपनिंग बैलेंस वर्ड यूज करने से 510 नहीं लगेगा, मेन कंडीशन क्या है, पिछले साल मैंने ऑडिट नहीं किया था.